जहां सरकार शिक्षा को लेकर बड़े बड़े वादे करती है, वहीं सिवान के कॉलेजों में सुचारू रूप से पढ़ाई नहीं होने से छात्रों का जीवन अंधकारमय हो गया है। सिवान के कॉलेजों में सेमेस्टर समय पर पूरा नहीं होना एक आम बात सी हो गई है। डीएवी कॉलेज में प्रोफेसर की संख्या 67 है, पर सिर्फ 33 प्रोफेसर के भरोसे ही कॉलेज की पढ़ाई हो रही है। 21 गेस्ट शिक्षक हैं। डीएवी कॉलेज में छात्र की संख्या 10,000 के लगभग है। क्या रहती है सर, विश्वविद्यालय प्रोफेसर का अनुपस्थित रहने के कारण लगभग सभी जो भी छात्र हैं वो मजबूरन में ट्यूशन के सहारे लेते हैं, क्या कारण है सर? देखिए, ट्यूशन एक शौक हो गया है बच्चों का, पहली बात। अब इंटरमीडिएट स्तर के जो कॉलेजेस हैं उनमें भी टीचर सरकार बहाल कर रही है। यूनिवर्सिटी स्तर पर भी जो कॉलेजेस हैं जहाँ इंटरमीडिएट डिग्री पीजी सब पढ़ाई, एक तो बैच जो है 2014 से जो अपॉइंटमेंट है वो चल रहा है सभी जगह लोग। यूनिवर्सिटी ने इधर क्या किया कि जहाँ जहाँ जितने पदे खाली हैं अस्थाई टीचर के बाद उसको गेस्ट टीचर के रूप से भर दिया गया है, और वो 30 मई को पिछली बार कर दिया गया। मैं ऑलरेडी उस सिंडिकेट के मेंबर था, वो जितना अपॉइंटमेंट हुआ था सारे सब्जेक्ट जितने सीटें खाली हैं गेस्ट टीचर से भर दिया गया। अब रेगुलर टीचर आएंगे तब वो गेस्ट खाली हुई, इसलिए अब गेस्ट फैकल्टी से सभी जगह टीचर्स उपलब्ध हैं और सभी जगह पढ़ाई ढंग से हो सकती है। कोचिंग जाने के डिग्री के बच्चे कोचिंग नहीं जाते, इंटरमीडिएट फैशन है। इंटरमीडिएट में बच्चे अगर यहाँ एक दिन पढ़ेंगे या कोचिंग में चार दिन पढ़ेंगे तो उसका अपमान बराबर है, उन्हें कॉलेज में आना चाहिए। हमारे शिक्षक कोचिंग के टीचर्स ज़्यादा तेज, ज़्यादा बढ़िया हैं, अनुभवी हैं और सब्जेक्ट मैटर के ज्ञान रखते हैं। कोचिंग में 1,000 बच्चे या 500 बच्चे एक कमरे में बैठा दिया जाता है, यहाँ वो 512 में 100 बच्चे ठीक से नहीं पहुँच पा रहे हैं। उन्हें अपने क्लास में आना चाहिए, यहाँ प्रैक्टिकल सीखेंगे, यहाँ थ्योरी सीखेंगे, अच्छी चीज़ें यहाँ सीखेंगे। कॉलेज में सर प्रोफेसर की अनुपस्थित रहना भी एक बहुत बड़ी समस्या है। नहीं तो हमारे यहाँ डीएवी कॉलेज में इससे की कोई समस्या नहीं, ये आपका जिले का एक अछूता कॉलेज है, यूनिवर्सिटी का ऐसा कॉलेज है जहाँ इस सभी के भी समस्या, कभी छात्रों का आंदोलन नहीं हुआ कि हमारे यहाँ कक्षाएं नहीं चल रही है। हमारे यहाँ एक भी छात्र है तो शिक्षक बैठा कर उन्हें बताता है। कितने स्टूडेंट होंगे पूरे कॉलेज में इस समय? वर्तमान समय में लगभग 10,000 स्टूडेंट हैं, चूँकि कई फैकल्टी कई जो सेशंस लेट चल रहे हैं उन्हें जोड़ देने के बाद लगभग 10,000 के आसपास से स्टूडेंट हैं। और टीचर कितने होंगे? परीक्षा होनी है, वो क्लास नहीं आते। कितने टीचर होंगे सर अभी? टीचर हमारा जो 67 है जिसमें लगभग 50 हमारे रेगुलर और ये जो गेस्ट फैकल्टी मिला के, हमारी कोई भी डिपार्टमेंट खाली नहीं। रिक्तियाँ कितने हैं सर टोटल? रिक्ति 67 और इंक्लूडिंग प्रिंसिपल है जिसमें 50 टीचर प्लस 51 हम जो हैं। ठीक सर, जो एडमिशन होता है वो पूरा अवेलेबल यूनिवर्सिटी जो ऑनलाइन हो रहा है वो हो जाता है पूरा एडमिशन फुल? एडमिशन तो अब यूनिवर्सिटी ने पहली बार प्रारंभ किया है, 2 साल पहले हम लोगों ने प्रारंभ किया है, तो वो रेलेस जितनी सीटें रहती है लगभग डीएवी में भर जाती है। कोई भी बच्चा यहाँ जाना पसंद करता है, यहाँ न तो उसको कोई अनर्गल फीस ली जाती है न ही उसको परेशानी होती है, एक ही जगह उसके बहुत सारी चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं, इसलिए उन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। इंटरमीडिएट में एक बार एडमिशन हो जाता है तो हमारे कॉलेज का स्टूडेंट चाहता है कि हम यहीं से पीजी करके निकलें। यहाँ पढ़ने पढ़ाने का कल्चर पहले जो था आज भी मेंटेन है, और उसमें हम लोग इजाफा कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्लासों में आएँ। इतनी परीक्षाएँ हो रही इसके बावजूद भी हमारी क्लासेस चलेगी, अभी परसों से हमारी परीक्षाएँ शुरू होने जा रही है, 3400 से ज़्यादा बच्चों की यहाँ परीक्षा है, लेकिन इसके बावजूद हम लोग पार्ट वाइज क्लास कक्षाएँ चलाएँगे। खासकर पीजी चलेगा, डिग्री 1 चलेगा, डिग्री 2 जिसकी परीक्षा होनी है वो हम लोग पार्ट वाइज करेंगे। हो सकता है कि सारे क्लास एक दिन रहे, 4 सब्जेक्ट आज दे दिया, 4 सब्जेक्ट कल दिया, तो ये बच्चों में कंटिन्यूटी बने रहे। अपना सर पूरा परिचय बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर अजय कुमार पंडित, प्रिंसिपल डीवी कॉलेज सीवान, मैं यहीं का प्रोडक्ट भी रहा हूँ। 79-83 मेरा सौभाग्य है और मुझे अपने कॉलेज का सेवा करने को मिला है। आप सभी लोग मुझे भरपूर सहयोग देते हैं, पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया और समाज भी सहयोग देता है, क्योंकि मैं अपना काम ईमानदारीपूर्वक करता हूँ और ये सारी चीज़ें आप बेहतर जानते हो मुझसे, आप मेरा आकलन सबसे ज़्यादा आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। खासतौर से डीएवी कॉलेज में और पूरे बिहार का ही हाल, रेशियो जो है टीचर्स और स्टूडेंट्स का रेशियो वो बहुत अच्छा नहीं है। बहुत सोच विचार के बाद अभी रिसेंटली कुछ गेस्ट फैकल्टीज का अपॉइंटमेंट किया गया है और वो लोग आ रहे हैं, क्लास अटेंड किया जा रहा है, उम्मीद है कि धीरे धीरे ये हालात
प्रोफेसरों की सर कॉलेजेस में अनुपस्थित रहना एक आम सी बात है सर, प्रोफेसर क्लासेस नहीं चल पाते क्योंकि बच्चे नहीं आते, उसका क्या कारण सर? बच्चे नहीं आते जी क्लासेस? नहीं ऐसा नहीं है, बच्चे जो क्लासेस चलते हैं खासतौर से हमारे डिपार्टमेंट मनोविज्ञान का, जब भी क्लास चलते हैं बच्चे आते हैं, सेटिस्फाइड होके जाते हैं, सीखने के जाते हैं, क्लासेस सुचारू रूप से क्लासेस जब चलते हैं। कमियाँ टीचर की कमियाँ? टीचर्स की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स की कमी है, हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, वो इंस्ट्रूमेंट्स की बहुत सारा ज़्यादा कमी है। कभी इसकी आपने शिकायत की है बड़ी अधिकारी? कई बार हमने किया, अभी भी नैक की टीम हमारे कॉलेज में आने वाली है, उसके लिए फीडबैक फॉर्म दिया गया था और उसको हमने बच्चों से फिलअप करवा के दिया है कि व्हाट आर द डिफिशियंसी इन आवर कॉलेजेस, क्या क्या कमी है। उन लोगों ने लिख के दिया कि बहुत सी कमियाँ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स की कमी, इंस्ट्रूमेंट्स की कमी, डिजिटलाइजेशन की कमी है। अब तो डिजिटल लाइब्रेरी का ज़माना आ गया, ऑडियो विजुअल सिस्टम होना चाहिए, आप कॉन्फ्रेंसिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए दूसरे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से भी कुछ कंसल्ट कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि हर चीज़ बुक्स में है, क्योंकि सब्जेक्ट्स डेली बाई डेली एक्सपेंड कर रहा है, तो हम लोग को भी कहीं कहीं दिक्कत हो जाती है। कहाँ पर सब कमियाँ रह जा रही हैं? सबसे बड़ी कमी हमने बताया ना कि एक तो टीचर्स की कमी है, नॉन टीचिंग स्टाफ्स की कमी है, टीचर्स को नॉन टीचिंग का काम भी करना पड़ा, मेमो बनाने से लेकर के आप देख लीजिए इनवेलप को लाइए, मोहर लगाइए, फोटो चिपकाइए, एवरीथिंग टीचर्स कर रहे हैं जो प्रोफेसर रैंक के आते हैं, क्लासेस लीजिए, और क्योंकि सेशन इतना लेट है तो इतना जल्दी जल्दी एग्जामिनेशन हो रहा है, तो सेम टीचर्स इनविजिलेशन, देन एंड देयर वेरिफिकेशन, देन एंड देयर टीचिंग, कोर्स कम्प्लीकेशन, एवरीथिंग एक साथ चल रहा है, तो लोड ओवरलोड है टीचर्स, ओवरलोड है। हमारा डॉक्टर इमरान खान, HOD साइकोलॉजी, डिग्री कॉलेज। सर एक सवाल और है कि आजकल इंटर में देखा जा रहा है कि बच्चे ज़्यादा कोचिंग पे ही ध्यान दे रहे हैं, कॉलेज पे कम जा रहे हैं, ऐसा क्यों? कोचिंग क्लासेस का मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, और कोचिंग क्लासेस का जो चलन है वो ज़्यादातर साइंस सब्जेक्ट्स में, क्या वजह है ये तो बच्चे ही बताएंगे, हमारे सब्जेक्ट का जहाँ तक है साइकोलॉजी एक आर्ट्स का सब्जेक्ट है, यहाँ पर बहुत कम बच्चे कोचिंग अटेंड करते हैं। इंटर में ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि ज़्यादा इंटरेस्ट बच्चे साइंस में, ISC यानी वो मैथमेटिक्स सीखने जाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री, कुछ बच्चों में आजकल ये भी हो गया कि जूलॉजी और बॉटनी का भी ट्यूशन लेते हैं, और कोचिंग की जो हालत देखी है हमने, जो सिवांस में परसेंटेज कोचिंग है वो कोचिंग नहीं है, वो कोचिंग है, मतलब एक छोटे से कमरे में इतने बच्चों को ठूंस देता है लोग कि वो सफोकेट होते हैं, दे आर नॉट फीलिंग कम्फर्टेबल, वैसा कोचिंग बहुत इफेक्टिव नहीं हो सकता। बच्चे वही जाते हैं, मजबूरी है बच्चों को, इसलिए हो सकता है कि स्कूल्स में या इंटर लेवल पर सही से पढ़ाई नहीं होती, कोर्स कम्प्लीट नहीं होता, ये सभी कार्रवाई करने वाले चाहेंगे कि क्यों नहीं होता, क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं, खासतौर से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर क्यों नहीं करते हैं, जो भी उसका बैरोमीटर्स है उसको फुलफिल क्यों नहीं करते हैं। ओके थैंक यू सर। अब देखते होंगे, अब तो खुद अभी अभियान चलाए थे कि कोचिंग बंद करना है एक दिन दो दिन ऐसा सुने थे हम, लेकिन उसके बाद भी कोचिंग खुला हुआ, इतनी गर्मी पड़ रही थी उसके बाद भी लोग खोले हुए थे, DM का आदेश आ गया कि बंद कीजिए, क्या कीजिए, नहीं ओबे करते हैं। सर बच्चों को क्या मैसेज देना चाहिए? बच्चों को क्या पढ़ने के बारे में जी, जो इंटर के क्लास करते हैं कॉलेज कम करते हैं उसको क्या करना चाहेंगे? उनके लिए हमारा ये एडवाइस है कि भाई जब भी कॉलेज खुले क्लास चले आप आइए, और जो भी आपका ग्रीवांसेस है, जो भी कन्फ्यूजन्स है, जहाँ पर ये है वो आप जरूर पूछिए टीचर से, एक क्लास करना हो फिर पूछिए, स्पेशल क्लासेस भी हम लोग चलाते हैं कभी कभी जब उनका परसेंटेज नहीं होता है, 75% अटेंड चाहिए लेकिन जब नहीं हो पाता तो स्पेशल क्लास लेकर के उनको पूरा करवा लेते हैं। और हमारे डिपार्टमेंट का रिपोर्टेशन आज के डेट में बहुत ही अच्छा है, अब हमारे डिपार्टमेंट की बच्ची टॉप करी है पूरे यूनिवर्सिटी, नीतु कुमारी जो गवर्नर साहब आए थे खुद से गोल्ड मेडल उसको दिए, इस यूनिवर्सिटी में तो टॉप पर है इन टर्म्स ऑफ माई डिपार्टमेंट। ओके थैंक यू सर। क्या
क्या प्रॉब्लम देखा जा रहा है कॉलेज में आजकल? एजुकेशन को लेके देखा जा रहा है, सेमेस्टर मतलब टाइमिंग सही नहीं है, एग्जामिनेशन टाइमिंग नहीं है, सेमेस्टर 3 साल का सेमेस्टर 5 साल में लिया जा रहा है। क्लासेस रेगुलर अटेंड करते हैं? प्रोफेसर आते हैं सारे प्रोफेसर, बट रेगुलर क्लासेस कोई नहीं कराता। नहीं बिल्कुल नहीं, अभी तो आप खुद देख रहे हो ना, 4 साल लग गया हमारा, फर्स्ट ईयर हो रहा है। अभी आपने इसकी शिकायत प्रिंसिपल से करा है? हाँ बिल्कुल, बहुत बार हुआ प्रिंसिपल से लेके यूनिवर्सिटी हर जगह तक हम लोगों ने अपना कंप्लेन रखा, बट इसका कुछ प्रॉफिट नहीं लगा। क्या लगता है कि पूरे जेपी यूनिवर्सिटी में ये ऐसा चल रहा है? हाँ बिल्कुल, ये सारे कॉलेज पूरे होल जेपी यूनिवर्सिटी में जितने भी कॉलेजेस हैं सबका ये रूल रेगुलेशन। हम यही चाहते हैं कि हमारा रूल रेगुलेशन जो कॉलेज का हो, जो टाइमिंग टाइम टेबल पे एग्जामिनेशन हो जाए, जो सारे स्टूडेंट्स का मेन फैक्टर यही है। ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अब से भी यूनिवर्सिटी थोड़ा इस चीज़ पे केयर करे और क्या परेशानी होती है कॉलेज में? टीचर स्कूल में पढ़ाई, कॉलेज में पढ़ाई नहीं होता और टीचर की बहुत दिक्कत होती है, हम लोग का सिलेबस आगे नहीं बढ़ता। प्रोफेसर आते हैं कि नहीं क्लास लेने आते हैं? नहीं, कभी इसकी शिकायत नहीं की आपने? बहुत बार किए हैं लोग, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। नहीं नहीं हो पाता है। डी ए वी कॉलेज आराध्या कुमारी। डीएवी कॉलेज में कितनी क्या परेशानियाँ होती है? परेशानियाँ नहीं बहुत है, जैसे एडमिशन लीजिए तो फर्स्ट एडमिशन में इतना परेशानियाँ होती है, क्या क्या करना है नहीं करना है कुछ पता नहीं चलता है। बाहर यदि लड़का आता है फर्स्ट आया तो उसमें इतनी परेशानियाँ है, इतनी परेशानियाँ झेल नहीं सकता। क्या किसी किसने भी जाइए टीचर को ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं जैसे समझिए कि कोई हमने यहाँ स्कूल इस कॉलेज का कैंडिडेट ही नहीं। क्लास पूरा चल पाता है? क्लास कहाँ पूरा चल पाता है, वो तो ऐसा ही साल में पूरा महीना ऐसे छुट्टी था तो क्लास चल कहाँ से पाएगा। आज चला अभी था तो कोई बात तो पहले जो डीए भी था, अब डीए भी था, पहले डीए भी था लेकिन अब डीए भी नहीं रहा। आइए आओ समझ जाओ समझ। टीचिंग स्टाफ पे कितनी कमी है? टीचिंग स्टाफ भी नहीं, हमारे देखिए 200 अशोक सर और मुस्लिम सर और शाह जी हैं। पढ़ाई तो होता है लेकिन कॉलेज खुल कॉलेज मतलब डेली नहीं हो पाता है। सुना मतलब सूरज कुमार।